चित्तों के आने से शिवपुर जिले का आर्थिक दृष्टि से होगा विकास। ससोदिया कूनों में बन रहे 5 हेलीपैड चित्तों के लिए बड़ा भी तैयार। पहली बार अंतर द्वीप से भारत की धरती पर कोई वन्य प्राणी कूनों नेशनल पार्क में आ रहा है, जहां इसको लेकर पूरे देश में ही नहीं विश्व भर में धूम मची है। इससे अभी भी बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने 72वें जन्मदिवस पर 17 सितंबर को अन्य द्वीप से आने वाले वन्य प्राणी चित्तों की कूनों में छोड़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के साथ चित्तों के आने को लेकर तैयारियां जारी बनी हुई। वहीं तैयारियों का जायजा लेने विजयपुर में भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर सिंह ससोदिया के साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुजीत गर्ग और जिला पंचायत के अध्यक्ष गुड्डीबाई आदिवासी कूनों नेशनल पार्क पहुंची व तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि मोदी के आगमन को लेकर कूनों नेशनल पार्क में 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जहाँ कूनों नेशनल पार्क में उतरने वाले हेलीकॉप्टर में 2 हेलीकॉप्टर में अफ्रीकी चीते होंगे, जहां प्रत्येक हेलीकॉप्टर में 4 चीतों को लाया जाएगा। वहीं 3 हेलीकॉप्टर में सिक्योरिटी के साथ देश के प्रधानमंत्री कूनों नेशनल पार्क में लैंड करेंगे। वहीं चीतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कूनों नेशनल पार्क में पालपुर गाड़ी पर चीतों के लिए 500 हेक्टर क्षेत्र में बाड़े का निर्माण किया जा चुका है। वहीं चीतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनाए गए बाड़ों में तार फेंसिंग कर इलेक्ट्रिक करंट भी छोड़ा गया है, जहाँ अफ्रीका से आने के बाद एक बाड़े में 30 दिन के लिए चीतों को क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं 30 दिन बाद दूसरे बाड़े में चीतों को खुला छोड़ा जाएगा। चीतों को विस्थापित किए जाने को लेकर चीतलपुर में ही बाड़े में छोड़े जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि कूनों नेशनल पार्क में अन्य वन्य प्राणियों को भी भरमार है। वहीं वर्तमान में गणना अनुसार तेंदुओं की संख्या 95 बताई जा रही है। इतना ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेड जोन और कोड जोन के 2 किलोमीटर के एरिए में होटल रेस्टोरेंट से मुक्त रखा गया है। वहीं 5 किलोमीटर तक का एरिया इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया गया। वहीं हथेड़ी और दौलतपुर में रिजर्वेशन जोन बनवाने की भी पहल की गई, जहां आदिवासियों के घरों को होमस्टे बनाया जाएगा। इसको लेकर भी कार्य किया जा रहा है। अभी 10 होमस्टे तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ विदेशी सैलानियों को होमस्टे के माध्यम से वन जीवन शैली से परिचित करवाने की वन विभाग द्वारा अनूठी पहल की जा रही। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। आपके विधानसभा क्षेत्र के कूनों सेंचुरी में जो है चीतों की आवक हो रही है और देश के माननीय प्रधानमंत्री भी 17 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं, आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं आगे के लिए? पहली बात तो ये है कि बधाई देता हूँ जन्मदिन की प्रधानमंत्री के लिए। बहुत खुशी की बात है कि हमारा विजयपुर क्षेत्र में मेरा क्षेत्र पड़ता है, चीता आ रहे हैं पहली बार। मोदी जी के लिए बहुत बधाई बधाई है। हमारे तोमर साहब है केंद्र मंत्री मुख्यमंत्री, इनके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। सरकार 17 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, साथ ही यहाँ पर चीतों की शिफ्टिंग की जाएगी, किस प्रकार की यहाँ तैयारी है और कितने चीते शिफ्टिंग किए जाएंगे? आज जैसे ही ये 3 दिन पहले घोषणा हुई तो श्योपुर जिलावासी बड़े प्रफुल्लित और प्रसन्न है कि जिले को इतना जो ये वर्षों से जिले की मांग, बल्कि मध्य प्रदेश स्तर पर भी इस मांग को किया जा रहा था, तो और जन्मदिन मनाना माननीय मोदी जी का जो राष्ट्र में एक अपने आप में गौरव का दिन होगा, और चिता के आने से श्योपुर में समृद्धि विकास और इस विशेष तौर पर ये जो आदिवासी अंचल है, जो इस दृष्टि से देखा जाता है अब तक कि आज़ादी के 75 वर्ष में भी यह ठीक तरह से अपने शिक्षा का स्तर, जीवन स्तर जो ऊँचा नहीं उठा, ये जो चीता इस सेंचुरी में जब आएगा तो मुझे लगता है कि उनके जीवन का स्तर तो बढ़ेगा, लेकिन श्योपुर जिले की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत और अच्छी होगी और देश के एशिया के उसमें सबसे उसमें श्योपुर की पहचान बनेगी। श्योपुर से लगी कूनों सेंचुरी में चीते आ रहे हैं और रणथंबोर और माधव नेशनल पार्क भी यहाँ से पास है, तो श्योपुर शहर को जहाँ विकास से जोड़ा जा रहा है उसको लेकर के आप सरकार के सामने और क्या मांग रखना चाहते हैं जिससे श्योपुर का और विकास हो? एक कल्पना 2-3 दिन पहले आई और उस कल्पना के को लेकर हम हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी के सामने श्योपुर को एक नई पहचान बने। श्योपुर जिले में ये सेंचुरी आती है कूनों सेंचुरी, तो इसके लिए एक विचार किया गया है कि देश में जो ये अपना शहरों को पूरे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है,
तो हमारा नगर जनप्रतिनिधियों ने आपस में एक चर्चा की। विशेष तौर पे नगरपालिका के प्रतिनिधि के रूप में जब इन्होंने बताया कि ये प्रस्ताव रखा जाए, मैंने विधायक जी से भी हमारे निवेदन किया कि श्योपुर को स्मार्ट सिटी में अगर शामिल किया जाता है तो श्योपुर का नाम और श्योपुर के साथ श्योपुर की जो पिछड़ेपन की जो एक धारणा बनी हुई है और इसका जीवन स्तर आम आदमी का भी ऊँचा उठेगा, सभी तरह के व्यापार और सब तरह की सुख समृद्धि हमारे क्षेत्र में आएगी। इसलिए इस सेंचुरी में ये जो संभव हुआ इससे श्योपुर बहुत ऊंचाई पकड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ।